हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाए करे जब भी हम कोई नई वीडियो डाला करें। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो रहेगी IOCL में। 389 अप्रेंटिस की पोस्ट है। ऑनलाइन फॉर्म रहेंगे, लास्ट डेट रहेगी 22 नवंबर। टोटल वैकेंसी 389 रहेंगी। ओके दोस्तों, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड में ये जॉब रहेगी। ऑल इंडिया जॉब है, सरकारी नौकरी है। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए 12th पास ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ITI लेटेस्ट ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट में बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर PL/HR/ESTB/APR 2019 रहेगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर। एप्लीकेशन विद इन 4 नवंबर। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑफ फॉर्म वो रहेगी 22 नवंबर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ के इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों इसके लिए अगर बात करें वैकेंसी डिटेल में, तो इसके लिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हर स्टेट में पोस्ट हैं और काफी ज्यादा पोस्ट हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। ओके दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिस बहुत सारी पोस्ट है, डेटा एंट्री की भी है और डोमेस्टिक डेटा एंट्री की भी है। सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग चाहिए। किसी किसी के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, 3 साल की वो भी चाहिए। जैसे कि आप बात करें ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए, तो इसके लिए 3 साल और 2 साल की लेटरल एंट्री वाले आफ्टर ITI ऑफ 1 ईयर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर बात करें डेटा एंट्री की तो इसके लिए 12th पास वाले, और अगर बात करें ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की तो उसके लिए कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स के साथ, ह्यूमन रिसोर्स वाले ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ओके दोस्तों, और अगर बात करें इसके लिए डेटा एंट्री की, तो इसके लिए आप 12th पास होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डेटा एंट्री का 1 साल का। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एज लिमिट में बात करें तो 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग वेरी की जाएगी। मिनिमम एज 18 रहेगी, मैक्सिमम 24 ईयर। एज रिलैक्सेशन 5 साल का SC/ST को, 3 साल का OBC को, 10 साल का फिजिकली हैंडीकैप को। सिलेक्शन क्राइटेरिया रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर होगा। ओके दोस्तों, ये बात है वैकेंसी की। अब बात करें इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे और इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।